नमस्कार। आज दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि क्या वो स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, वो बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं जो आपको अपना सुनहरा पहला या ड्रीम हाउस खरीदने में आपकी मदद करता है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हमारे पास बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि लोग हमें बोलते हैं ऐसा वीडियो बनाएं कि हम कन्फ्यूज घूम रहे हैं, हम कैसे अपने डिसीजन पे आए, कैसे अपना घर ले पाएंगे या क्या क्या चीज़ें हमें करनी ज़रूरी होती है। तो हमने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाते हैं। ये 7 स्टेप्स हैं जो आपको अपने सुनहरे घर की तरफ लेके जाता है। क्या वो 7 स्टेप्स होते हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं एज अ होम बायर कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाए और आप एक कंक्लूजन पे आ सकें कि आप कौन सा घर ले सकते हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बजट। दोस्तों बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर आपको फ्लैट बाहर आप निकलते हैं देखने के लिए, आपको फ्लैट पसंद आ जाता है। अगर आपको फ्लैट पसंद आया और आपको आपके पास वो बजट नहीं रहा तो तकलीफ बढ़ जाती है, फिर आप बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू ज़ीरो आ जाते हैं। बिकॉज अगर बजट नहीं है तो कोई चीज़ का देखने का मतलब ही नहीं। बजट अक्सर डिटरमाइन किया जाता है, नंबर 1, आपके पास अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं आप, या रेडी पोजिशन के लिए भी आप डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं, वो आपके पास सेफ्टी में या वो आपके पास कितना पड़ा है, नंबर 1 वो है। सेकंड इज़ आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी कितनी है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कवर किया था कि होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो घर खरीदने के पहले होनी चाहिए, तो होम लोन की एलिजिबिलिटी, डाउन पेमेंट, ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको एसेस करने पे हेल्प करता है कि आप एक्चुअली अपना घर खरीद सकते हैं तो उसका बजट क्या हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ें और जो नोटिस करनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो वो बिक चुकी है या उसका टोकन आपके पास हाथ आ चुका है, तो आपको मालूम है कि सपोज़ वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख आपके हाथ में आने वाले हैं, वो ज़रूरी है आपको नोटिस करना। और आगे चल के आप वो प्रॉपर्टी का जो खरीद रहे हैं उसका मेंटेनेंस क्या होगा या उसका मेंटेनेंस की शक्ति है आप में, ताकत है कि आप भर सकते हैं। तो ये बजट असेस करते हुए ये 3 से 4 पॉइंट आपको जहन में रखना ज़रूरी है। रिमेंबर कीजिए, अक्सर लोग खरीदते पहले हैं और बेचने के बाद में सोचते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो ट्रैप में, या वो गलती मत कीजिएगा। एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी आप बेचने का सोच रहे हैं उसका एक फेयर वैल्यू एनालिसिस होना चाहिए, या ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने उसका टोकन रिसीव किया है या उसे बेच दिया है। तो नंबर 1 पॉइंट है जो बजट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो नंबर 2 पॉइंट जो आपको जहन में रखना है वो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ लोकेशन। यस फ्रेंड्स, लोकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पहले शॉर्ट लिस्ट करना है। अक्सर मैं देखता हूँ बायर्स जो आते हैं, जो हमें पूछते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, मैंने देखा है वो कंफ्यूज रहते हैं। वो 3 से 4 लोकेशन शॉर्ट लिस्ट करते हैं और 3 से 4 लोकेशन में अपने घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं एडवाइस करूँगा कि पहले अगर आप घर लेने के लिए निकले हैं तो सबसे पहले लोकेशन शॉर्टलिस्ट कीजिएगा। 3 लोकेशन आपने अंधेरी भी चुन लिया, आपने कांदेवली भी चुन लिया, आपने कोई और बुरेवली भी चुन लिया, ये हर लोकेशन अपने में ही बहुत बड़ा लोकेशन है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप ये लोकेशन में घर ढूंढते रहें और कन्फ्यूज घूमते रहें। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि 1 से 2, मैक्सिमम 2, 1 से 2 लोकेशन शॉर्टलिस्ट कीजिए। लोकेशन में आपको ये नोटिस करना है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना नज़दीक है, कितना ईजिली एक्सेसिबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो आ जाता है, ट्रेन आ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे जन एयरपोर्ट के नज़दीक भी सोचते हैं कि घर होना चाहिए। हाईवे जो है वो आपका कितना नज़दीक है, उसके स्कूल्स, जो बच्चों की स्कूल्स है वो कितनी इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए, वो आपके कितना बगल में, बिकॉज बच्चों को स्कूल ट्रैवल करने के लिए आपको बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कितना आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो है। सेकेंडली, आपका जो वर्क प्लेस है वो कितना दूर है उससे। अगर आपका वर्क प्लेस, बिकॉज आपका वर्क प्लेस तो शिफ्ट इतना आसानी से नहीं होगा, अगर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता तो ज़रूर यह है कि आपके लोकेशन के अगल बगल में हो या नहीं हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसकी तरफ ट्रैवल कर सकें। तो लोकेशन जो है शॉर्टलिस्ट करना, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, वंस आपने एक लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उसमें आप 6-7 प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं वो नोटिस कीजिए, वो प्रोजेक्ट्स का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, वो प्रोजेक्ट्स की तरफ
वो ढूंढिए और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको पसंद आया या ना पसंद आया। प्रोजेक्ट में आपको ये नोटिस करना है कि आप ज़बरदस्ती का जो एमिनिटीज़ हैं, ऑफकोर्स डेवलपर्स अपने इस पर कोशिश करते हैं, अपने कैपेसिटी में कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट एमिनिटीज़ दे पाएँ और बेस्ट टू बेस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। बट आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी एमिनिटी की आपको ज़रूरत है, कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सी स्पेसिफिकेशन की आपकी फैमिली को ज़रूरत है। अक्सर हम ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट ले लेते हैं जिधर हमें इतनी एमिनिटीज़ होती हैं, हो सकता है वो एमिनिटीज़ की ज़रूरत नहीं हो। जो एमिनिटीज़ की ज़रूरत है, जो आपको मालूम है कि आप नियर फ्यूचर में यूज़ करेंगे और करंटली यूज़ कर रहे हैं, वो एमिनिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा और वो एमिनिटीज़ लेने का कोशिश कीजिएगा। बिकॉज कोई भी आपको एमिनिटीज़ ऑफ़र कर रहा है तो वो फ्री में नहीं कर रहा है, उसका जाहिर सी बात है कि पैसा एक्स्ट्रा लगने ही वाला है या प्राइस में इंक्लूडेड है। एक बार आपने अगर अपना प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट, जो ये नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपने अगर अपना प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने प्रोजेक्ट विजिट कर लिया, उसके बाद या उसके पहले शॉर्टलिस्ट करते समय आप उसकी रेरा वेबसाइट, जो महारेरा वेबसाइट नंबर ज़रूर ले लें और उसका जो ड्यू डिलिजेंस है महारेरा की वेबसाइट पे कीजिए। दोस्तों, ये रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है वो हमारे बेनिफिट के लिए बनाया गया है, हमारी क्लैरिटी के लिए बनाया गया है। आप इंश्योर कीजिए कि आप इसका फुल यूज़ कीजिए, पूरा यूज़ कीजिए। महारेरा वेबसाइट पे आपको जाके ये कुछ चीज़ें बहुत नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। एक तो लीगल इनकम्ब्रेंसेस, जो लीगल प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्ट में, है या नहीं है, कि टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियर है या नहीं है। सेकंड है, डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, जो कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही है उसके डायरेक्टर्स कौन है। थर्ड, क्या उसके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है वो प्रोजेक्ट में। अक्सर हर 3 महीने में डेवलपर को उसमें जो सोल्ड इन्वेंट्री है वो ऊपर करनी है और अनसोल्ड स्टॉक ही दिखाना है। तो अगर वो प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब कुछ रीज़न हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट न बिक रहा हो या स्लो बिक रहा हो या उसने अभी बुकिंग लॉन्च की हो। जो कोई भी रीज़न हो, आप ये नोटिस कीजिए कि इन्वेंट्री उसमें कितनी अवेलेबल है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेरा में आपको नोटिस करना है वो ये है कि एमिनिटीज़ जो है, जो आपको उसका डेवलपर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, जो डेवलपर आपको एमिनिटीज़ बोल रहा है, वो एग्जैक्ट एमिनिटीज़ के बारे में रेरा में मेंशनड है या नहीं मेंशनड है। अगर नहीं मेंशनड है तो क्यों नहीं मेंशनड है, ये आपको पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपर या उसकी सेल्स टीम को। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेरा में आपको नोटिस करना है वेबसाइट में, वो है कारपेट एरिया। जी हाँ, आज के समय में जो भी डेवलपर बेचेगा अकॉर्डिंग टू द रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, वो रेरा कारपेट ही हो सकता है। आपको ये नोटिस करना है कि जो रेरा कारपेट वेबसाइट पे मेंशनड है या उसकी डेवलपर की लिंक में या वेबसाइट पे मेंशनड है, वो एग्जैक्ट कारपेट एरिया अग्रीमेंट में भी मेंशन होना चाहिए। इफ़ प्रेफरेबल, आप हो सके तो अगर बिल्डिंग कोई नियरिंग पोजिशन स्टेज पे, तो माप के भी अपना ये देख सकते हैं। वो मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है कि रेरा वेबसाइट और एक्चुअल कारपेट एरिया, रेरा कारपेट और एक्चुअल कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप में क्या फ़र्क होता है। बट रेरा कारपेट जो वेबसाइट पे मेंशनड है, वो डॉक्यूमेंट में, अग्रीमेंट फॉर सेल में मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का। एक होलसेम डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होती है, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो IOD, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, IOD अगर डेवलपर को नहीं मिली तो वो प्रोजेक्ट नहीं चालू कर सकता। तो IOD प्रोजेक्ट का बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक और डॉक्यूमेंट है जो है CC, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने जैसे सजेस्ट किया पहले भी, अभी भी बोलूँगा कि अगर डेवलपर के पास पूरी CC है प्रोजेक्ट की, जो फ्लोर्स बना रहा है, जैसे 20 माले की बिल्डिंग है तो 20 माले की CC है, तो प्रोजेक्ट सेफ है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप के डेवलपर के पास 10 माले की CC है और आप 11 माले पे फ्लैट ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो मिस्टेक ना करें, वो गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जितनी CC है उतना ही, उतने तक ही फ्लैट लेना ज़रूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप रेडी पोजिशन प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो OC, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, इज डिटरमाइंस के प्रोजेक्ट इज़ फिट टू बी ऑक्यूपाइड।
कि डेवलपर ने अपनी सारी जो बेसिक रेगुलेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे कंप्लीट किए हैं, अब वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है आपके ऑक्यूपेशन के लिए। दोस्तों इसके बाद छठा पॉइंट है, वो है नेगोशिएशंस का। हाँ, हमें बहुत सारे कमेंट्स और हमें बहुत सारे सजेशंस मांगते हैं हमसे होम बायर्स के, हम डेवलपर्स के साथ नेगोशिएट कैसे करें। नेगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपर्स के साथ, आपको खरीद जब प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। कई डेवलपर्स एडमेंट भी होते हैं, नेगोशिएट नहीं करते क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की वो वैल्यू होती है, उन्होंने अपना ब्रांड वैसे बिल्ड किया होता है। बट अगर आप खरीदने जा रहे हैं फ्लैट, तो ये इंश्योर कीजिएगा कि नेगोशिएशन में पहली बात तो सबसे ये है कि आपको सारे के सारे चार्जेस मालूम होने चाहिए। कोई भी चार्जेस आपसे हिडन ना हो, कोई भी चार्जेस आपसे परहेज ना हो, वो सारे चार्जेस की आपको पूरी आइडिया होनी चाहिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो टोटल प्राइस, जैसे अदर चार्जेस, कार पार्किंग चार्जेस, कॉर्पस फंड्स, सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस, ये मैंने बाकी के अपने वीडियोस में कवर किया है, बट ये चार्जेस जानना ज़रूरत है। पहले तो सारे चार्जेस की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और टोटल उसका क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और नेगोशिएशन का नंबर टू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि पहले अपना ऑफर कभी मत दीजिएगा, हमेशा बजट समझ लीजिए। पहले डेवलपर का जो कॉस्ट है वो समझ लीजिए, घर पे एनालाइज़ कीजिए, उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। बेस्ट प्राइस अगर वो नेगोशिएट करते हैं तो ठीक है, आप आके घर पे समझिए, उसके बाद अपना काउंटर ऑफर अगली बार जाके दीजिएगा। द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पेमेंट शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन। प्लीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में ये ध्यान रखिएगा कि पेमेंट शेड्यूल रेरा एज पर रेरा ही होना चाहिए। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक पेमेंट शेड्यूल सब्सक्राइब करता है डेवलपर्स के लिए कि ये यू नो ये पेमेंट शेड्यूल ही होना चाहिए, होम बायर्स भी वो पेमेंट जान सकते हैं और उसके हिसाब से ही आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पेमेंट करना। वंस आपने शॉर्टलिस्ट की है प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने डेवलपर के साथ नेगोशिएट किया है, खरीद लिया है फ्लैट, आपको ये नोटिस करना है कि आपने जैसे 10% पेमेंट कर दिया, तो 10% पेमेंट के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाना चाहिए फ्लैट का। 10% पेमेंट के बाद आपकी कंप्लीट अथॉरिटी है कि आप फ्लैट का रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर सकें। इनफैक्ट डेवलपर का ये ऑब्लिगेशन है कि 10% पेमेंट, अगर 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए पेमेंट के बाद आप डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं और करवाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स की ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये जो 7 पॉइंट है आपकी हेल्प करेंगे कि आप आसानी से अपना जो सुनहरा और ड्रीम होम है वो खरीद सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो सकते, और सिंपल तरीके से स्ट्रेट ये 7 पॉइंट के द्वारा आप आसानी से अपना घर खरीद सकते हैं। थैंक यू।